न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की गंदी बात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मंगलवार 7 नवंबर 2023 को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधानसभा में ऐसा बयान दिया जिसके बाद से बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में मवाल मचा हुआ है। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आ करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस विवादित बयान की आलोचना करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार के दिमाग में इन दिनों बी ग्रेड मूवी चल रही है। नीतीश कुमार के इस विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में उनकी जमकर आलोचना भी हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी नीतीश के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में मैं नीतीश कुमार से तत्काल और स्पष्ट माफी की मांग करती हूं। मैं इस बयान की सख्त निंदा भी करती हूं। वहीं बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी नीतीश कुमार के इस बयान पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देने से उनके संस्कार भी दिखाई देते हैं, इतने बड़े विधायक दल के नेता होने के नाते उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की बात करना बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। अपर्णा यादव ने उनके इस्तीफे की तुरंत मांग की है। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग आईएएस पीसीएस निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहाँ के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हों तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर कर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? आप बताइए कि इस तरह से बात करने का मतलब क्या था उनका, और उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। नीतीश कुमार ने मांगी माफ़ी। आज बुधवार सदन में बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अगर इस तरह की बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, हम अपनी बात पर शर्म प्रकट कर रहे हैं। मैंने तो विधानसभा में भी कह दिया है, हम तो महिला के हित में काम करते नजर आए हैं, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरे मुंह से अगर असभ्य बात निकली तो मैं फिर से माफी मांगता हूं। अगर कोई एक शब्द मैं उसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं, और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूं, इसलिए हम उसके उसकी शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सब लोगों की राय से अब राज्य के हित में इतना काम होगा और हमने जो भी निर्णय लिया है अभी सबको कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।